हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलासना 32 स्टेट मूवी को, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जिसको कि डायरेक्ट किया है अल्बर्ट बिंटो ने। और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। और इस मूवी से जुड़ी हुई थ्योरी के बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मूवी के स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1972 में एक काफी पुराने बिल्डिंग को दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर दो बच्चे सीढ़ियों के पास कांच की गोलियों से खेल रहे होते हैं। तभी उनका एक गोली गिरकर नीचे वाले फ्लैट के पास चला जाता है, जहां पर दोनों बच्चों का जाना मना होता है, क्योंकि यह घर एक भूतिया फ्लैट होता है। लेकिन छोटा बच्चा जूलियन उस गोली को लेना चाहता था, जिस वजह से जूलियन उस फ्लैट के अंदर चला जाता है और देखता है कि उसकी गोली एक ऐसी जगह पर गिरी है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रॉकिंग चेयर पर बैठी है। और जूलियन जैसे ही उस कांच की गोली को उठाने जाता है, तभी वो बूढ़ी औरत वहीं पर नीचे गिर जाती है। और उसका डरावना चेहरा देखकर जूलियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद यह कहानी 4 साल आगे 1976 में शिफ्ट होती है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं, जो कि अपने घर का सब कुछ बेचकर मर्डर सिटी मलासना 32 में रहने के लिए आए होते हैं। और यह वही घर होता है जिससे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस फैमिली में मनोलो कैंडला कपल होते हैं और उनके 3 बच्चे पेपे, रेफेल, एम्पारो और साथ ही इनके दादा फरमीन भी होते हैं। आगे इनका ब्रोगन आता है, जो इनके फ्लैट के मेन दरवाजे को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उस डोर को खोलते बस ब्रोकर के हाथ कांप रहे होते हैं। और सभी लोग घर को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगते हैं। नीचे एम्पारो घर के लगेज को उतार रही होती है, साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है और वह एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और उसके लिए मर्डर सिटी काफी अच्छी जगह होती है। तभी उसके दादा उनके फ्लैट के विंडो की तरफ इशारा करने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने वहां पर कुछ अजीब सा देख लिया हो। लेकिन एम्पारो इस बात को इग्नोर करती है और उन्हें लेकर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, जिसके बाद एम्पारो अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर देखती है कि वहाँ पर पुराने होनर के कुछ कपड़े पड़े होते हैं, जिसे कि एम्पारो उन कपड़ों को बाहर फेंक देती है, लेकिन उनमें से एक ग्रीन ड्रेस को अपने पास रख लेती है। पेपे जब अपने कमरे में होता है तो उसे अपने विंडो के सामने से दूसरे वाले फ्लैट में एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है। रात को एम्पारो रेफेल को नहलाकर कुछ सूखे कपड़े वहाँ पर रखती है, तो लेकिन थोड़ी देर बाद एम्पारो देखती है कि वो कपड़े वहाँ से गायब हो चुके हैं, साथ ही उसके दादा भी गायब होते हैं। तो एम्पारो अपने दादा को ढूंढने के लिए वहाँ के बाथरूम में जाती है। तभी रेफेल के कमरे का दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद हो जाता है, तो एम्पारो उस दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। तो एम्पारो दरवाजे के नीचे से देखने लगती है तो उसे रेफेल काफी डरा हुआ दिखता है और वह एक कोने में चुपचाप बैठा होता है। जब एम्पारो दूसरी तरफ देखती है तो उसे वहां पर एक शैतानी पैर दिखता है, जिस वजह से वो डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी वहां पर आते हैं। तो मैनेलो कैसे भी करके उस दरवाजे को तोड़ देता है और सभी देखते हैं कि रेफेल वहां के खिड़की पर बैठा हुआ है। तो मैनेलो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता है और रेफेल को तुरंत खिड़की से उठा लेता है, क्योंकि इनका फ्लैट 3rd मंजिल पर होता है। अगर यहाँ से रेफेल नीचे गिरा तो सीधे उसका ऊपर का टिकट कट जाएगा। खैर, इतना सब होने के बाद सभी लोग डिनर करने बैठे होते हैं और आज के दिन सभी बच्चों के साथ कुछ न कुछ हुआ होता है और यहाँ से इनकी जिंदगी की असली स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन मनोलो अपने काम पर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मनोलो एक मैकेनिक है और कैंडला एक सेल्स वूमन है। दोनों को यहाँ पर अपने हिसाब से जॉब मिल चुकी होती है और घर पर एम्पायर और रेफेल का ख्याल रख रही होती है, साथ ही अपने एयर होस्टेस बनने की तैयारी भी करती है। तभी उसे किचन से एक आवाज सुनाई देती है, तो एम्पारो चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर रेफेल किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो एम्पारो उसे कुछ पूछ पाती, तभी उसके पीछे से उसके दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाते हुए एम्पारो देख लेती है, तो एम्पारो उनके पीछे चली जाती है। और अब यहाँ पर रेफेल अकेला होता है, तभी उसके सामने एक कांच की गोली आती है, तो रेफेल उस गोली के पीछे पीछे जाने लगता है और वह उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर हमने मूवी के स्टार्टिंग में उस बूढ़ी औरत को देखा था। और उस कमरे के अंदर टीवी ऑन होती है, जिसके अंदर रेफेल का फेवरेट कार्टून चल रहा होता है। तभी अचानक ही उस कार्टून का कैरेक्टर रेफेल से बात करने लगता है, जो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे और तुम्हें मेरे साथ खेलना ही होगा और तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, तुम्हें लेने के लिए मेरी एक फ्रेंड आएगी
और तुम्हें उसके साथ आना होगा। यह सब देखकर रेफेल काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत टीवी स्क्रीन को ऑफ कर देता है। तभी वहां पर रखा हुआ रॉकिंग चेयर अपने आप ही मूवमेंट करने लगता है, जिसके बाद टीवी स्क्रीन के अंदर से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है जो रेफेल को अंदर खींच लेता है और दूसरे कमरे में पेपे होता है, जहां पर उसे दूसरी फ्लैट से उसे एक लेटर मिलता है जिसे कि उस लड़की ने भेजा होता है, जो कि अपना नाम क्लेरा बताती है। जिसके बाद पेपे उसे रिप्लाई करता है। नीचे एम्पारो दादा को पकड़ती है तो दादा उसे कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो हमें जीने नहीं देगी, वो सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन उनकी बातों को एम्पारो सीरियस नहीं लेती है और उन्हें लेकर वापस फ्लैट में आती है। लेकिन घर के अंदर कहीं पर भी रेफेल नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है जो कि अपनी छानबीन शुरू कर देती है। रेफेल को ढूंढने के लिए कैंडेला, मनोलो, पेपे घर से बाहर जाते हैं और उनके जाते ही इनके घर के लेड लाइन पर फोन आता है, जिसे कि एम्पारो जाकर पिक करती है। तो दूसरी तरफ से रेफेल बोलता है, जो कि एम्पारो से मदद मांग रहा होता है। इसके बाद ही फोन कट जाता है। तभी एम्पारो को रेफेल की चिल्लाने की आवाज सामने वाले फ्लैट के अंदर से आने लगती है, तो एम्पारो जल्दी से जाकर उस दरवाजे पर नॉक करने लगती है। लेकिन वो फ्लैट सालों से बंद पड़ा होता है तो इन्हें मजबूरन में आकर उसके डोर को तोड़ना पड़ता है। लेकिन इस घर के अंदर कहीं पर भी रेफेल नहीं होता है। तभी यहाँ पर एम्पारो को एक पर्दे के पीछे रेफेल का शैडो दिखता है, जो कि धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। तो एम्पारो जैसे ही उस पर्दे को वहाँ से हटाती है तो वहाँ पर वही बूढ़ी औरत होती है जो उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो एम्पारो डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो उसकी आवाज़ सुनकर बाकी सभी वहाँ पर आते हैं, जो एम्पारो को किसी तरह संभाल कर घर वापस ले जाते हैं। घर जाकर सभी लोग परेशान रहने लगते हैं। अगली सुबह मैनोलो और कंडेला अपने जॉब पर जाते हैं क्योंकि इनके घर का लोन भी चुकाना होता है। इसके बाद एम्पारो फोन डायरी से एक नंबर को ढूंढती है जो कि किसी सुसैना का होता है, तो एम्पारो उसे फोन करती है और यह सोचती है कि शायद सुसैना इस घर की पहली होनर रही होगी। लेकिन जैसे ही एम्पारो कहती है कि वो मलासना 32 से बात कर रही है, वैसे ही उसका फोन कट हो जाता है। इधर कैंडेला अपने जॉब पर होती है, जहां पर उसे एक लोला नाम की लड़की दिखती है जो कि फिजिकली चैलेंज होती है। तो लोला उसे देखकर अपनी कम्युनिकेटिव सिटी को जोर से बजाने लगती है। तो वहां पर लोला की माँ आती है जो कैंडेला से कहती है कि उसे अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा और उसे एक छोटी सी प्रेयर बुक देती है और कहती है कि इससे उसके बच्चों की मदद होगी। घर पर पेपे को उस लड़की का मैसेज मिलता है जो कि कहती है कि वो जानती है कि उसका भाई गुम हो चुका है लेकिन वो अभी सुरक्षित है। तो पेपे उसे मैसेज के थ्रू पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो वो लड़की रिप्लाई करती है कि 20 मिनट में मुझसे तुम नीचे बेसमेंट में मिलो। और यहाँ पर हैरान करने वाली ये बात होती है कि पेपे ने उस लड़की को आज तक दोबारा नहीं देखा होता है और वो लड़की रस्सियों की मदद से उसे मैसेज भेजा करती है। फिर भी पेपे नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ का नज़ारा काफी डरावना होता है। और यहाँ पर पेपे को पीछे से एक लड़की पकड़ लेती है, जो कि देखते ही देखते वो लड़की एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है, जो पेपे को हंट करने लगती है। लेकिन पेपे ऐसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। एम्पारो मार्केट से घर वापस आती है तो उसे उल्टी होने लगती है, जिसके बाद वो देखती है कि उसके पेट पर एक बड़े से पंजे का निशान है और वह इस वक्त प्रेग्नेंट भी होती है और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का ही होता है। खैर, इसके बाद एम्पारो किचन में जाती है, जहाँ पर वो डोर में लगे हुए ग्लास के अंदर देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसके दादा होते हैं और एम्पारो जब दरवाजे को दोबारा बंद करती है तो उसके दादा के जगह पे वही बूढ़ी औरत होती है, जिसके बाद एम्पारो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। तभी अचानक दादा वहाँ पर रेफेल की आवाज में बात करने लगते हैं और उसी वक्त इनके घर की फोन भी रिंग होने लगती है। तो एम्पारो जाकर फोन को पिक करती है तो उसे सामने वाले फ्लैट के अंदर से आवाज सुनाई देती है। तो एम्पारो तुरंत ही उस घर के अंदर जाती है, जहां पर एक बड़े से घड़ी के अंदर उसे रेफेल दिखता है। तो एम्पारो उस घड़ी को तोड़कर रेफेल को किसी तरह वहां से बाहर निकालती है, जिसके बाद वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है जो रेफेल को चेक करके बताते हैं कि रेफेल इस समय काफी सदमे में है और ऐसे में उन्हें रेफेल का काफी ध्यान रखना होगा। रात को कैंडेला रेफेल के पास सो रही होती है, जहाँ पर रेफेल एक कोने में देखकर काफी डर रहा होता है। तो वहाँ पर चेक करने के लिए कैंडेला जाती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाती है, जिस वजह से कैंडेला काफी ज्यादा डर जाती है। इधर पेपे को भी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं
जिसमें लिखा होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, जिस वजह से पेपे डरने लगता है। किचन के अंदर एम्पारो जहर पीने जा रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा, जिसके वजह से उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो मरने का डिसाइड कर ली है। लेकिन अचानक ही अपने आप ही उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है और घर की लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद मनेलो घर की लाइट ठीक करने के लिए जाता है तो उसे एक कमरे के अंदर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो मनेलो वहाँ से डरकर भाग जाता है और सभी को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और रात बिताने के लिए सभी लोग एक होटल में जाते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल भरी रात होती है। अगली सुबह होते ही कंडला मनोलो घर बेचने के लिए बैंक में जाते हैं ताकि वह लोन को सेटल कर सके, लेकिन बैंक मैनेजर कहता है कि उन्हें लोन को पूरा चुकाना होगा चाहे वो घर में रहे या फिर नहीं। जिसके बाद कंडला अपने जॉब पर जाती है, जहां पर वह एक कस्टमर लोला का एड्रेस को निकालती है। जिसके बाद कंडला लोला के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि लोला एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे कि स्पिरिट दिखती है और लोला उनसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकती है। और यहाँ पर कैंडला अपनी सारी स्टोरी उन्हें बताती है, जिसे सुनकर लोला और उसकी माँ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद कैंडला उन्हें लेकर अपने अपार्टमेंट मलासना 32 में आती है। और यहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर होते हैं, सिर्फ एम्पारो नहीं होती है, क्योंकि एम्पारो फोन बुक वाली सुसैना के घर पर गई होती है, जहाँ पर उसे सुसैना मिलती है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। और सुसैना का घर और भी डरावना होता है। खैर, यहाँ पर सुसैना एम्पारो से बहुत सारे सवाल करती है और पूछती है कि उसके घर में कौन कौन है, घर में छोटे बच्चे कितने हैं। तो एम्पारो उसे सब कुछ बता देती है और अब तक की सारी घटनाएं भी उसे बता देती है। तब सुसैना कहती है कि तुम्हारे घर से एक छोटा बच्चा गायब होने वाला है। और इतना कहने के बाद ही सुसैना एम्पारो के पीने के लिए कुछ लेने के लिए जाती है और काफी देर तक वापस नहीं आती है। तो एम्पारो उसे घर के अंदर ढूंढने लगती है तो उसे एक फोटो मिलती है जिसके अंदर एक लड़की की फोटो होती है। और ये लड़की वही होती है जिसकी फोटो उसके फ्लैट में लगी होती है। और एक एल्बम के अंदर उसकी और भी फोटो होती है और उस एल्बम के अंदर एक लड़के की भी फोटो होती है जिसका चेहरा सेम उसी लड़की की तरह होता है। तभी वहां पर सुसैना आती है जो उसे बताती है कि वो फोटो में वो नहीं है बल्कि उसकी बहन क्लेरा है। और क्लेरा कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे कि पेपे ने देखा था। और उन्हें जो स्पिरिट दिखाई दे रही है वह क्लेरा की स्पिरिट है। और दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी के असली राज खुलते हैं। बेसिकली क्लेरा सुसैना की बहन होती है। क्लेरा बचपन में एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में पैदा हुई होती है और एल्बम के अंदर जिस लड़के की फोटो होती है वही क्लेरा होती है। लेकिन क्लेरा जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसे रियलाइज हुआ कि वह एक लड़की बनना चाहती है और इस बात को क्लेरा के पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से वो लोग क्लेरा को पनिशमेंट भी दिया करते थे, जिसमें कि क्लेरा को वो लोग एक घड़ी के अंदर बंद कर दिया करते थे। और यह वही घड़ी होती है जिसमें कि रेफेल को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। खैर, क्लेरा की स्पिरिट उनके छोटे बच्चे यानी रेफेल को अपने पास रखने की कोशिश करती है, क्योंकि जब क्लेरा बड़ी हुई थी तब वो माँ बनना चाहती थी। और इस बात को लेकर क्लेरा के पेरेंट्स को अपनी काफी बेइज्जती महसूस हुई, जिस वजह से उन लोगों ने अपनी जान ले ली। और सुसैना अपने पेरेंट्स की मौत की जिम्मेदार क्लेरा को ही मानती थी, जिस वजह से उसने भी क्लेरा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसके बाद वो उस घर को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए चली आई। और मलासना 32 में इनका दो फ्लैट होता है, जिसमें कि एक फ्लैट सुसैना का होता है और सामने वाला फ्लैट क्लेरा का था। खैर, यहाँ पर सुसैना बताती है कि क्लेरा रेफेल को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो एम्पायरो को पेट में पल रहे बच्चे को लेना चाहती है, जिसे सुनकर एम्पायरो सुसैना पर गुस्सा होने लगती है। साथ ही उसके मन में क्लेरा के प्रति सिंपैथी भी पैदा हो जाती है। और जब क्लेरा को एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए था तब उसे हर किसी ने छोड़ दिया था, जिस वजह से क्लेरा के मरने के बाद उसकी स्पिरिट एक इविल स्पिरिट बन चुकी है, जिसके बाद एम्पायरो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ घर पर लोला क्लेरा के स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेरा उसे ही पोजेस्ट कर लेती है और लोला को हवा में लेमिनेट कराने लगती है। तभी उनके घर के फोन रिंग होने लगता है जिसे कि लोला जाकर पिक करती है और उसी के साथ ही घर में हलचल होने लगती है, जिसके बाद क्लेरा की स्पिरिट सभी को मारकर इधर उधर फेंकने लगती है। और उसके सामने लोला की माँ साथ में रेफेल खड़ा होते हैं, जिसके बाद क्लेरा रेफेल को मारने जाती है। तभी वहाँ पर एम्पारो आ जाती है जो क्लेरा से बात करने लगती है, जो उससे कहती है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो काफी गलत हुआ है और वो क्लेरा से माफी मांगकर उसके प्रति सिंपैथी दिखाने लगती है,
जिस वजह से क्लारा की स्पिरिट काफी दुखी होने लगती है, लेकिन वह अब एक इविल बन चुकी होती है, जिस वजह से वह अब भी रेफेल को मारने की कोशिश करने लगती है। तो उसे रोकने के लिए एम्पायरो एक कांच के टुकड़े को उठाकर अपने पेट में स्टैप करने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है क्लारा को उसका बच्चा चाहिए, जिस वजह से क्लारा वहाँ पर जोर जोर से चीखने लगती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मानोलो पोजेस्ट लोला को लेकर बालकनी से सीधे नीचे कूद जाता है, जिस वजह से मानोलो की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और लोला यहां पर बच जाती है, क्योंकि लोला मानोलो के ऊपर गिरी होती है, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी होती है। इसके बाद क्लारा की स्पीड उन्हें छोड़कर कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। इस घटना के बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमे की एम्पायरो की फैमिली इस घर को छोड़कर जा रही होती है, और यहां पर हमें पता चलता है कि मानोलो ने अपना इंश्योरेंस करा रखा था, जिस वजह से उसकी फैमिली को बहुत सारे पैसे मिले, और उस पैसों से उसकी फैमिली ने सारे लोन को चुका दिया था, और वो अपने टाउन वापस चले जाते हैं। और इनके जाने के बाद हम क्लारा के रूम को देखते हैं, जिसमें कि रॉकिंग चेयर अपने आप ही अभी भी मूवमेंट कर रही होती है, जिसका मतलब साफ होता है कि क्लारा की स्पीड अभी भी यहीं पर है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मलाशना 32 मूवी की स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप हम बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर क्लारा के माता पिता उसे एक्सेप्ट कर लेते तो क्लारा आज अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रही होती, लेकिन क्लारा के पेरेंट्स की तरह उसकी बहन सुसैना ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, जिस वजह से क्लारा मरने के बाद एक इविल स्पिरिट बन चुकी थी, और वो वर्षों से एक बच्चे के प्यार के लिए तरस रही थी। जब उसने रेफेल को देखा तो उसे अपने पास रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही एम्पायरो अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती है, तब उसे क्लारा ऐसा करने से रोकने लगती है, क्योंकि उसे अब एम्पायरो का बच्चा चाहिए था। मूवी के एंडिंग में हमने देखा भी था कि एम्पायरो उस बच्चे को पालने का डिसाइड कर लिया है, और वो अपने बच्चे को हंसी खुशी एक्सेप्ट भी कर ली है। और यहाँ पर क्लारा एम्पायरो को फैमिली को यहाँ से जाने देती है, लेकिन वो आज भी मलाशना 32 में एक बच्चे के प्यार के लिए तरस रही है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।